तो और मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल है यार। तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने फ्री फायर में और अपने फ्री फायर मैक्स में सस्ता वाला एयर ड्रॉप कैसे ला सकते हो। मतलब कि आप लोग अपने फ्री फायर गेम में 10 रुपये वाला और 29 रुपये वाला, 30 रुपये वाला स्पेशल एयर ड्रॉप कैसे ला सकते हो। और गाइज अगर आपके गेम में बहुत दिनों से स्पेशल एयर ड्रॉप नहीं आ रहा है और अगर आप इसको लेकर परेशान हो कि यार मेरे गेम में एयर ड्रॉप क्यों नहीं आ रहा है, मुझे डायमंड कैसे मिलेगा, मुझे नए नए ड्रेस कैसे मिलेंगी, तो यार कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा भाई वीडियो लेकर आ चुका है। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ, अगर आप लोग उस ट्रिक को अप्लाई कर लेते हो तो उसके बाद 100% पक्का आपके गेम में स्पेशल एयरड्रॉप आने वाला है। तो गाइज इसी बात पे इस वीडियो को एक लाइक कर दो, और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग बहुत जल्द 25K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने वाले हैं, तो जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ भाई जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। और गाइज मुझे आप लोगों से यार एक बात पूछना था कि अभी के टाइम पर बहुत सारे लोग हैं जो अपनी वॉइस को रायस्टार जैसे निकालना चाहते हैं गेम के अंदर, तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ तो इस वीडियो पे 1000 लाइक कंप्लीट करवा देना, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू चेंज वॉइस लाइक रायस्टार। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो इस वीडियो पे 1000 लाइक्स कंप्लीट करवा देना। तो गाइस देखो, अपने गेम में सस्ता वाला स्पेशल एयरड्रॉप लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो आपको टॉप अप करना अपने आईडी में बंद करना पड़ेगा। मतलब कि अगर आप लोग अपने गेम में टॉप अप करते हो, ठीक है, तो उसको आपको यहाँ पे टॉप अप करना, कुछ दिनों के लिए बंद करना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा के लिए बंद कर दो, बस आपको कुछ दिनों के लिए, मतलब एक महीने के लिए मान लो, आपको टॉप अप अपने आईडी में बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। और इसी तरीके से आपको अपने आईडी में मेंबरशिप भी नहीं खरीदना है। जी हाँ गाइस, आपको एक महीने तक अपने आईडी में मेंबरशिप भी नहीं खरीदना है, ठीक है। तो ये दो काम बस आपको नहीं करना है। और इसके बाद ट्रिक क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने आईडी को एक नूब आईडी बनाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपके यहाँ पे अकाउंट में डायमंड है, जैसे मेरे अकाउंट में अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि एक डायमंड है, क्योंकि मैं कभी भी डायमंड अपने आईडी में नहीं रखता हूँ, क्योंकि अगर आप अपने आईडी में डायमंड रखोगे तो इसी वजह से आपके पास महंगे वाले एयर ड्रॉप आते हैं, क्योंकि आपके पास जब पहले से ही डायमंड है तो आपको सस्ते एयर ड्रॉप क्यों आएंगे, आप ही बताओ। तो इसीलिए अगर आपके आईडी में डायमंड है तो सबसे पहले उसे खर्च कर दो और यहाँ पे बिल्कुल 0 डायमंड कर देना है। और यहाँ पे 0 डायमंड करने के बाद आपकी जो आईडी है उसको आपको यहाँ पे बिल्कुल नूब आईडी बनाना है। तो आप लोग अपने आईडी को नूब आईडी कैसे बनाओगे, तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे नूब कैरेक्टर सेलेक्ट करना है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे कैरेक्टर में सबसे पहले आपको जाना है और जो भी आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा नूब कैरेक्टर लगता है वो कैरेक्टर आपको यहाँ पे ले लेना है। जैसे मान लो मैं ये वाला कैरेक्टर, मेरे को सबसे ज़्यादा नूब लगता है, मैं इसे ले लेता हूँ। इसके बाद आपको पेट में जाना है और यहाँ पे पेट में आने के बाद यहाँ पे आपको सबसे नूब पेट, ये वाला नूब पेट है, इसे ले लेना है, ठीक है। इक्विप कर देता हूँ यहाँ पे मैं इसे। इक्विप करने के बाद अगर आपके पास गन है, ठीक है, आपके जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरे हाथ में गन है, इस गन को भी आपको यहाँ पे हटा देना है। तो इस गन को यहाँ पे मैं हटा देता हूँ। एक मिनट, ये गन यहाँ से हट चुका है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे मैं अपने आईडी में जाता हूँ, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो मेरा आईडी वो बिल्कुल नूब लग रहा है। तो यहाँ पे हमने 50% काम कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो इसके बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, तो इसके बाद अब आपको अपने आईडी को लगभग 2 दिन के लिए लॉग आउट करके रख देना है। यहाँ पे लॉग आउट पे क्लिक करना है और यहाँ पे ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी आईडी है वो लॉग आउट हो चुकी है। इसके बाद आपको इस आईडी से 2 दिन तक गेम नहीं खेलना है और 2 दिन बाद आपको अपने आईडी को फिर से लॉगिन करना है, ठीक है। तो गाइस 2 दिन बाद जब आप अपनी आईडी को लॉगिन करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या काम करना है, सबसे पहले आपको अपने गेम के सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर क्लियर कैचेक कर देना है। 5-6 बार आपको यहाँ पर क्लियर कैचेक कर देना है और इसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है CS रैंक, ठीक है। और CS रैंक यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके स्टार्ट पे क्लिक करना है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई 2 दिन जब हमारी आईडी बंद रहेगी तो हम गेम कैसे खेलेंगे, तो आप गेस्ट आईडी बना के गेम खेल सकते हो 2 दिन, या फिर किसी और आईडी से गेम खेल लेना। लेकिन जिस आईडी में आपको एयर ड्रॉप लाना है उस आईडी में 2 दिन गेम मत खेलना। तो जब आप यहाँ पे 2 दिन बाद ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको CS रैंक सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है। तो जब आप यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो इसके बाद जो आपका मैच स्टार्ट होगा उसमें आपको सबसे ज़्यादा किल करना है, और किल करने के बाद अगर आप उसमें बुइया कर लेते हो तो उसके बाद जब आप उस मैच से बाहर आओगे तो उसके बाद आपके गेम में स्पेशल एयरड्रॉप आ जाएगा। और यार ये जो ट्रिक है ये 100% वर्किंग ट्रिक है। सबसे पहले मैंने इस ट्रिक को खुद अप्लाई किया था और उसके बाद मेरे गेम में ये वाला स्पेशल एयरड्रॉप आ गया था, और उसके बाद ये वाला ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक बार जरूर से आप लोग इस ट्रिक को ट्राई करना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।